आरमोरी एहतियात दो सिंचाई विभाग और जल उपयोग एजेंसी ने आरमोरी, अरसोड़ा और पलोरा में किसानों को रबी धान की फसल से सिंचाई करने का निर्णय लिया था। आरमोरी, अरसोड़ा और पलोरा में आक्रोशित किसान आदिवासी कांग्रेस के जिला सचिव दिलीप घोड़ाम और पूर्व जिला WM सदस्य अमोल मार्कवार के नेतृत्व में एहतियातो कार्यालय ने बांध से तत्काल पानी छोड़ने की मांग करते हुए आरमोरी में एहतियातो कार्यालय पर धावा बोल दिया। गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली जिले में एहतियात दो परियोजना हरित क्रांति के सपने के सच होने जैसा है। विचार यह है कि परियोजना के पानी का उपयोग अंत तक सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। नतीजन आरमोरी तालुका में सैकड़ों किसानों ने ग्रीष्म धान की बुआई की, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से एहतियात दो सिंचाई विभाग ने पानी नहीं छोड़ा है, इसलिए किसान खड़ी धान की खेती के कगार पर है। पानी के अभाव में कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। एक और चिलचिलाती धूप और कृषि के लिए अपर्याप्त पानी के कारण किसानों द्वारा धान की खेती के तहत भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि एहतियात दो सिंचाई कार्यालय शस्त्रागार के एक शाखा अभियंता मेड़े किसानों से विभाग को पानी छोड़ने के बार बार अनुरोध के बावजूद जानबूझकर किसानों और उनकी मांगों की अनदेखी कर रहे थे। नाराज किसानों ने शाखा अभियंता को तत्काल निलंबित करने की मांग भी की है। किसानों ने पानी या मुआवजे की भी मांग की है। गुस्साए किसानों ने आज शाम तक एहतियात दो बांध का पानी नहीं छोड़ा तो एहतियात दो सिंचाई विभाग को आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला सचिव दिलीप घोड़ाम, पूर्व जिला जबलू सदस्य अमोल मार्कवार, पत्रकार प्रवीण रहाटे, संजय धोटे, रेखचंद कूटे, अल्ताप धोरे, भास्कर धोरे, लालाजी टेकम, विजय चौधरी, दिनेश जकनकवर, चरणदास मानधाड़े, योगेश माने, कैलाश तिचकुले, जितेंद्र प्रधान, दीपक निम्बेकर, अशोक हरगुड़े, केशव भोयर, गजानन धोटे, पंकज चिलबुले, पुरुषोत्तम खरकाटे, गणेश खरकाटे, ज्ञानेश्वर कूठे, भाऊराव धोरे, भाऊराव हरगुड़े, देवराव घरगुड़े, श्यामराव धूरे, सतीश चिलबुले, राजेंद्र खोबरागड़े, कृष्णा जैसे किसान, प्रधान कूटे, वामन टिचकुले, चंद्रभान निम्बेकर, जगदीश निम्बेकर, वासुदेव कुकड़कर, गोविंदा कुकड़कर, दोनोंजी हरगुड़े, नामदेव सोराटे, छगन हेड़ाऊ उपस्थित थे। संपर्क करने पर एहतियात दो सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता पराटे ने कहा कि बांध का पानी आज शाम तक छोड़ दिया जाएगा ताकि किसानों को पानी की आपूर्ति की जा सके। आरमोरी से BCN न्यूज के लिए हरेंद्र मडावी की रिपोर्ट।